नमस्ते सलाम वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी इतनी गर्मी है बाप रे। मतलब मैं अभी किचन में खड़ी हूँ, सहन ही नहीं हो रही गर्मी। तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी बनाने जा रही हूँ मशरूम मसाला। जो लोग भी मशरूम खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो वो ये सब्ज़ी ज़रूर बना के देखें, ट्रस्ट मी बहुत अमेजिंग सब्ज़ी बनती है। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा अगर मशरूम खाते हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मशरूम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज काटी है लंबी ऐसे टुकड़ों में, और टमाटर काटा हुआ है, थोड़ा सा जिंजर लिया है, और 3 से 4 क्लोव लिया है मैंने गार्लिक, और ली है हरी मिर्ची। डाल लूँगी ऑयल। तो ये अच्छे से गर्म हो गया है मेरा ऑयल। उसके बाद मैं डाल दूँगी जीरा, बाद में डालूंगी गार्लिक और जिंजर। गार्लिक ऑप्शनल है, जिस जो नहीं खाते हैं वो। और इसमें मैं डाल दूंगी जिंजर, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज, तो प्याज को लाइट गोल्डन कलर तक इसको भूनेंगे। तो प्याज हो गई है मेरी अच्छे से रोस्ट, और उसके बाद मैं डाल दूंगी इसे मसाला। इसको कुछ खास नहीं डालना है, इसे धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च। तो ये गया धनिया, और ये गई हल्दी, और अब लास्ट में डालेंगे लाल मिर्च, तीखी लाल। और हम इसको अच्छे से चलाएंगे जिससे मसाला भी अच्छे से भुन जाए। जब लगे कि मसाला अच्छे से मिल गया है, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर के देखिए स्लाइस, देखिए मैंने इतने बड़े बड़े काटे हैं। और बस अब टमाटर को भी इसके साथ अच्छे से मिला लीजिए। और टमाटर को गलाने का जो सबसे अच्छा इलाज है वो है इसका नमक। तो जैसे ही आप कभी भी कोई भी सब्जी बनाइए, तो टमाटर जैसे ही हम लोग डालेंगे, तो उसके तुरंत बाद हम लोग नमक डाल देंगे, तो टमाटर जल्दी से पक जाएगा। ये मैंने ले लिया है नमक। इस सब्जी का जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है वो है दही। ये देखिए मैंने भर के चम्मच, कम से कम 2 चम्मच बड़ी वाली, मैंने इसमें डाल दिया है दही। कलर देखिए आप सब्जी का। मैंने अभी इसको ढक दिया है, और कुक इसको हम तब तक होने देंगे जब तक ये जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो सॉफ्ट होने का वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हाँ, लेकिन जब तक सॉफ्ट हो रहा है तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, टाइम क्यों ख़राब करना भाई। तो दूसरा काम ये है कि हम अच्छे से मशरूम धो लेंगे। तो मैंने एक भगोने में ले लिया है पानी, और उसमें अच्छे से रगड़ रगड़ के मशरूम मैं धो रही हूँ, और अच्छे से 2-3 बार इसको पानी में निकालना है जिससे वो मशरूम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि पहचान कैसे करें कि मशरूम अच्छा कौन सा है। तो बेसिकली जो अच्छा मशरूम होता है फ्रेश वाला, मेरा मतलब फ्रेश को है, पहले मैं भी नहीं जानती थी, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो मशरूम के जो ये मशरूम है, अगर ये एंड्स अपने छोड़ने लगे तो मतलब ये पुराना मशरूम है, आप मत खरीदेगा। ये देखिए एकदम फ्रेश मशरूम है, इसके एंड लगे हुए हैं यहाँ, और ये बिल्कुल छोड़ने लगे अलग अलग, और इधर साइड आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगा, तो वो समझिए वो मशरूम बहुत पुराना है, तो आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। तो देखिए मेरे मशरूम हो गए हैं एकदम क्लीन, और ये देखिए अब ऐसी हाल हो गए हैं सब्जी के, कलर बड़ा अच्छा है। तो अब इसको हम लोग ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद फिर हम इसको पीसेंगे। तो इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर का, आप लोग मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी स्टेप ये है कि धोने के बाद मैं मशरूम को 2 पार्ट्स में ऐसे काट लूँगी। गर्मी में हो रहा है मेरा पचका, इतनी ज़्यादा गर्मी है किचन में। तो अभी नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। मैंने वो पेस्ट बना लिया, अब हम लोग खड़े मसाले इकट्ठे करेंगे, जिसमें कि मैंने बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, और लौंग ली है 3-4, और काली मिर्च ली है, और तेज पत्ता लिया है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच डाल दिया है घी।
तो सारे खड़े मसाले मैंने तेल में डाल दिए, उसके बाद थोड़ा प्याज भी काट के डाल दिया और इसको हम लोग अच्छे से भूनेंगे। और अब अच्छे से सॉटे हो गया है सारे मशरूम गए इसके अंदर। हल्का इसमें डालूंगी मैं नमक, जिससे मशरूम अच्छे से और जल्दी पक जाए। नमक के बाद हम थोड़ी सी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। 3-4 चम्मच सिर्फ पानी डाल के मैं इसको ढक दिया है। 10 मिनट तो देना पड़ेगा उसको पकाने के लिए। ये देखिए मैंने कितना कम पानी डाला था और मशरूम ने कितना पानी छोड़ दिया है। तो इसको मैं तेज फ्लेम पे अब पकाऊंगी, जिससे कि पानी भी जल जाएगा और मशरूम भी पक जाएगा। देखिए पानी मेरा सूख गया है और मशरूम भी अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी जो मैंने बनाई थी, जो वो पेस्ट बनाया था वो। ये देखिए इसमें मिला दी मैंने मशरूम वाली ग्रेवी। तो ये देखिए क्रश करके मैंने कसूरी मेथी डाल दी। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हाँ डालना ही डालना है। बट तो ये देखिए इस टाइप की एक ग्रेवी बन जाएगी। और उसके बाद मैं इसमें 5 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी। ढक के पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग धनिया। तो बस सब्जी हो गई है रेडी। अमेजिंग। तो प्लीज़ आप सब लोग अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा मशरूम मसाला। तो बस ये था आज का वीडियो। और तो बस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।